नमस्कार दोस्तों, आज मैं चने की दाल और चावल से बनी रेसिपी लेके आई हूँ। ये चने और दाल के बना ढोकला है, देखिए कितना ये सॉफ्ट के बना है, स्पंजी एकदम। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना ये स्पंजी बना है। इसको हरी वाली चटनी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ मैंने ये मूंगफली का भी चटनी बनाया है। तो चलो इसको बनाने की रेसिपी देखते हैं, बिना देर किए हुए चलते हैं किचन की तरफ। ढोकला बनाने के लिए मैंने ये सिंपल वाला चावल लिया है, कोई महीन चावल का यूज नहीं किया है, जो रोज घर में खाते हैं उसी से मैं ढोकला बना रही हूँ। देखिए 2 कटोरी चावल में मैं आधा कटोरी चने का दाल डाल रही हूँ। चने का दाल और चावल से ढोकला बनेगा। अब इसको दो दो तीन पानी अच्छे से धो देंगे और इसको 5-6 घंटे के लिए भिंगो के रख देंगे। देखिए जो मैंने चावल दाल भिंगोया था उसको पीस लिया है मैंने मिक्सर में। अब इसको कम से कम 10-12 घंटे के लिए इसको खमीर बनने के लिए रख देंगे। एक अच्छे से खमीर इसमें बन जाएगा तब हम इसको बनाएंगे। इसमें 2 टेबल स्पून हम चीनी ऐड कर रहे हैं। ये हमारे पास पीसी हुई चीनी थी इसीलिए हम डाल रहे हैं। आप खड़ा चीनी भी डाल सकते हैं, साबुत चीनी भी। और ये आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम हल्दी ऐड कर देंगे। इसको मिला के और रात भर रख देंगे 10-12 घंटे, इसका अच्छे से खमीर बन जाए तब बनाएंगे हम इसको। मिक्स करके इसको रख देंगे अच्छे से। देखिए ये हमने चावल दाल पीसा था उसको 7-8 घंटे रख दिए थे, ये थोड़ा सा फूल गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा दही मिक्स कर देंगे। आपके पास अगर दही ना हो तो आप दही स्पिक कर सकती हैं। इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अगर नींबू ना हो तो नींबू कोई जरूरी नहीं है, बिना नींबू दही का भी बन जाएगा अच्छा सा ढोकला। इसको अच्छे तरह से फेंट लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें इनो या बेकिंग सोडा डालेंगे। देखिए आधा टेबल स्पून हम इसमें इनो डाल रहे हैं। इनो डाल के फेंक के तब इसको देखिए इनो डालते ही कितना ये ऊपर फूलने लगा है। इसको अच्छी तरह से इनो को मिला लें। देखिए हम इसमें इनो मिला दिए हैं। देखिए इसका घोल कैसा है, ज्यादा पतला घोल ना करें, ऐसा घोल रहना चाहिए। अब हम कोई करेल या थाली ले लीजिए और उसमें चारों तरफ तेल लगा लीजिए। ऐसे चारों तरफ अच्छे से तेल लगा लेंगे हम इसमें। फिर हम इसमें बैटर को डाल देंगे। दाल को ऐसे ऐसे हिला लेंगे तक अच्छे से ये। फिर इसको हम चलिए देखते हैं कैसे रखते हैं। देखिए आप कोई भी कढ़ाई ले लीजिए। अगर आपके पास ढोकला बनाने वाला मेकर नहीं है तो कोई भी कढ़ाई या पतीली ले लें। और उसमें अगर आपके पास स्टैंड है तो रख दीजिए, नहीं तो कटोरी भी रख सकते हैं। कटोरी रख के और इसको ऐसे आराम से रख दें। और ऊपर से ढक्कन लगा दें और इसको 20 मिनट तक पकाना है। ढोकले को 20 मिनट में से 25 मिनट तक पकाएंगे तो अच्छी तरह से ये पक जाएगा। चलिए 20 मिनट के बाद हम देखते हैं कैसा पक के होता है।
देखिए मैंने मेरा ढोकला पक गया है, इसको मैंने 20 से 25 मिनट पकाया है। 20 25 मिनट में तो ढोकला पक के तैयार ही हो जाता है। देखिए हम इसमें चाकू लगा के देखते हैं। देखिए चाकू में बिल्कुल नहीं निकल के आया, तो मान लीजिए कि ढोकला बन गया है। अभी हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको निकालते हैं। देखिए हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको हम ऐसे साइड साइड से इसको निकाल लेंगे। इसको काट लेते हैं पीस पीस में। बिल्कुल सॉफ्ट एकदम बना है स्पंजी ढोकला हमारा। देखिए हम इसको निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितना स्पंजी एकदम बना है ढोकला। देखिए देखिए मैंने ढोकला को पीस पीस में काट के निकाल लिया है। देखिए देखिए कितना स्पंजी ढोकला बना है हमारा, एकदम एकदम स्पंजी बना है। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं थोड़ा सा कढ़ी पत्ता और सरसों के साथ। ढोकला को फ्राई करने के लिए देखिए मैंने कढ़ाई रख लिया है गैस पर। अब उसमें हम तेल डालेंगे। इसमें हम ये सरसों डाल देंगे। देखिए 1 चम्मच हम सरसों डाल रहे हैं। सरसों थोड़ा तड़क जाएगा तो हम इसमें मिर्ची और कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। देखिए हमारा सरसों तड़क गया है, अब इसमें हम मिर्ची 5-6 डाल दे रहे हैं और साथ में कढ़ी पत्ता। देखिए मैंने इस पे ये सरसों और कढ़ी पत्ता मिर्ची का तड़का लगा दिया है, डाल दिए पूरे चारों तरफ। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आगे कौन सा वीडियो देखना पसंद करते हैं। थैंक यू।